लखनऊ फैजियाबाद हाईवे हमरा आज के अयोध्या जाच्छी श्री राम मंदिर देखते एखान थेके एखोनो 33 किलोमीटर बाकी एटा टोल नाका दुटो टोल नाका पड़े 130 टाका करे टोल नाका पड़े और 11 टाका करे गाड़ी पर किलोमीटर पड़े किलोमीटर हिसाब से चले मिनिमाम 250 किलोमीटर चलते हैं कमप्लीट हो जा कारण एखान लखनऊ थेके अयोध्या 136 किलोमीटर तो चलून आमरा राम मंदिर दिके एगोई आर 33 किलोमीटर मात्र बाकी आछे स्वामी का दर्शन करेंगे जो खुदाई की मूर्ति निकली थी वो इधर विराजमान है स्वामी के अंदर में यहाँ पे स्थापना है ये स्वामी का संकल्प है सर कि जब तक राम का मंदिर बनेगा नहीं तब तक भोजन नहीं करेंगे उनका संकल्प वो आपका प्रसाद मिलेगा आशीर्वाद लेकिन यहाँ पे सिस्टम अलग है यहाँ पे जो मंदिर वो आपका इच्छा है वो आपको बताएगा आपका इच्छा है आए थे इसी जगह पे आए थे इसी जगह पे इनका पालकी डोला उतारा गया था यहाँ भगवान बैठ के 11,000 वर्ष राज्य किए थे इसलिए जो प्राणी आते हैं वो 2 मिनट बैठ जाते हैं अगर आपके पास टाइम है तो बैठ जाइए नहीं तो आगे दर्शन लीजिए अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन ये जंक्शन है अगर कोई इधर से आना चाहे तो इधर उतरते ही सुविधा होगा दिल्ली से उतरते हैं चलते हैं तो इधर आप फिर चले श्री रामचंद्र भगवान की जय शालिग्राम भगवान उसका महत्व बताइए मुझे थोड़ा उसका शालिग्राम भगवान जी का स्वर नेपाल से पत्थर आया राम जी का सीता माता का मूर्ति बनाने के लिए जो राम मंदिर का काम चल रहा है उसके बाद राम मंदिर का वहाँ पे पत्थर रखा है आप उसका दर्शन करेंगे फिर वर्कशॉप का दर्शन करेंगे जहाँ पे चीनी हथौड़ी से डिजाइन वगैरह बनाते हैं उधर का दर्शन हम कराते हैं 2 पॉइंट इधर क्योंकि हम गाइड हैं तो आपको पीछे के रास्ते लेके जाते हैं आपको 1.5 से 2 घंटे में फ्री कर देते हैं शालिग्राम शिला जेटा आछे जेटा देखते जाबो नेपाल थेके जेटा एसेछिलो जेटा खोदाई करे रामचंद्र और सीतार मूर्ति तैरी हबे का शहीद गली है जहाँ पे कारसेवक लोग शहीद हुए उस गली का नाम शहीद इस चली में गोली चल रही थी गोलियाँ और कारसेवक की लग रही थी राम नाम की गोलियाँ ऐसा ये वर्कशॉप है ये राम मंदिर का पहला गेट है रामचंद्र भगवान की जय ये राम मंदिर नक्शा रखा गया था राम का भव्य मंदिर आपका ऐसा बनेगा क्योंकि 106 कम्बा नीचे 106 कम्बा ऊपर ऐसा राम का मंदिर बनेगा उसको नमस्कार कीजिए फिर आगे की जानकारी जय ये राम मंदिर ओल्ड मॉडल नक्शा था जो बाबर बादशाह ने तोड़वाया था बाबरी मस्जिद को बनवाया था मैडम जी ये राम मंदिर ओल्ड मॉडल लगता जो पुराना मंदिर था आपका विक्रमादित्य के समय बाबर बादशाह ने तोड़ा है बाबरी मस्जिद को बनवाया था अब ये आपके उधर के आए थे दो भाई वेस्ट बंगाल का सत्ता सैयद कोठारी राम कोठारी आपके वेस्ट बंगाल के बाबरी मस्जिद में पहला झंडा इन्होंने लगाया ये आपके उधर के मैडम जी कलकत्ता के वेस्ट बंगाल के पहला झंडा बाबरी मस्जिद में इन्होंने लगाया ये बीजेपी का कारसेवक 6 दिसंबर 1992 की घटना है जब कारसेवक लोग शहीद हुए घायल हुए मरे नीचे बाकी में जो कार्टोग्राफ कर रहे थे তখন তো ছোট ছিল কত দিন স্কুল বন্ধ ছিল বিচার না মানে কাঁচে পাথর আছে রাম কা মন্দির কা কাম চল রহা হ্যায় सैंडस्टोन सैंडस्टोन
ऊपर सात का काम चलता है, जो राम मंदिर का मंदिर ये मॉडल रखा था तो बहुत ज़्यादा काला काला पड़ गया, उसको साफ सफाई मेंटेनेंस पॉलिश हो गई, राम का मंदिर मिल जाएगा। जिधर हम लोग टोटो लेके जाएंगे, এই তো ইন্টারলকিং এখানে, এই তো এটা নিয়ে করছে। तमिलनाडु के राम भक्त ने दान किया 13 क्विंटल 6 केजी का। राम का मंदिर जब बन जाएगा तो 1 घंटा जाते हुए। ये मूर्ति तो एक ही प्रतिष्ठा है, मूर्ति अखनो तैयारी होई नहीं, अब आगे सालिग्राम भगवान सालिग्राम है। हमरा अयोध्या जा रहे हैं सालिग्राम भगवान जी का, राम का मंदिर है वहीं। हमरा अयोध्या এসেছি, সেই সালগ্রাম শিলা যেটা নেপাল থেকে এসেছিল সেটা দেখতে এসেছি, যেদিকে রামের মূর্তি তৈরি হবে। सालिग्राम भगवान, ये राम जी सर, ये सीता माता सर, और ये राम, ये सीता माता था। सीता माता, अरे नाम नुम किसने लिख दिया, अर्जुन वर्जुन। ये दोनों में से राम का बनेगा, राम जी का पूरा पत्थर था, राम जी का ये कट ऑफ कर दिया। अच्छा, ये सीता माता का। एटा सीतार मूर्ति तैयारी होबे और एटा रामेर मूर्ति तैयारी होबे। एगुलोई बोलछिलाम आलू चोखा, एगुलोई लिट्टी नाकि Temple will be dynamic from 7 a.m. to 11:30 in the morning and from 2 p.m. to 7 p.m. in the evening. Pratah 6:30 baje Mangala. मंदिर जाने का रास्ता किधर से है? मंदिर जाने का रास्ता मेन मंदिर जो बन रहा है, जो बन रहा है वो यही चल जाएंगे ना, ही तो ये निकलने वाला इधर से जाइए। এখানে যারা যারা এসছে তারা মন্দিরের সঠিক রাস্তাও জানে না, আমি এখানে জিজ্ঞেস করলাম রাস্তা, আর এখানে সম্ভবত ফ্রি খাবারের লাইন আছে। ঠিক আছে, তো ওখানে মন্দিরের ওখানটা কাজ চলছে, যেখানে ক্রেন আছে মন্দিরের রাস্তা হচ্ছে এদিকে বাঁদিকে।
টোকেন পাওয়া যায় ফ্রি, খাবার 11:15 থেকে দেওয়া হয়, 11:15। আর এইখানটা হচ্ছে খাবারের জায়গা মেন, আর এই দিক থেকে হচ্ছে মন্দিরের রাস্তা। এটা রাম মন্দির যাওয়ার রাস্তা। ভেতরে মোবাইল অ্যালাউ নেই বলে, হ্যাঁ বিপিন ভাই आइए लड्डू गोपाल जी का बंसी लेके जाइए होलसेल भाव में। अड्डा दशरथ राजमहल। আর যাবি না? না এইটাই আছে শুধু। আমাদের রাম জন্মভূমি অযোধ্যা ঘোরা হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যবশত দেখতে পারিনি ফুলভাল টাইমিং, আমাদের বেসিক্যালি না জানার জন্য আমরা আগে অন্য জায়গাগুলো দেখেছি। এখানে যারাই আসবেন 11:30টার মধ্যে কিন্তু মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, আর অবশ্যই গাইড নিয়ে আসবেন। তার আগে মানে গাইড গাড়িতে ওঠানোর আগে বা এ বলার আগে, কিছু জানার আগে সব থেকে আগে জানবেন, দাম দর করে নেবেন, গাইড ফিস কত। আর এখানে যদি লখনউ থেকে আগে আসেন তাহলে মোটামুটি 7টার সময় বেরোলে 10টার সময় ঢুকে যাবেন, তখন মন্দিরটা দেখে নেবেন। আর বাইরে যে জায়গাগুলো গাইডের সঙ্গে দেখবেন সেগুলো আলাদাভাবে নিজেকে দেখতে হবে, সেগুলো পরে দেখবেন, আগে সবার আগে মন্দিরটা কিন্তু দেখে নেবেন, তাহলে মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে আর কিছু দেখতেও পারবেন না।